मैडम चीफ मिनिस्टर की तौहीन किसी सूरत में पॉइंट स्कोरिंग के लिए और टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे लगाने के लिए उसकी इजाजत हरगिज नहीं देंगे। ये बिल्कुल रेड लाइन है हमारी, ये समझना चाहते हैं, शौक से समझ लें। इसको मेरी धमकी कहा गया, कल में भी मैंने गुजारिश की थी, इसको धमकी कहा गया, धमकी नहीं है, मेरी बहनों वाली गुजारिश है। लेकिन हमें अपना सेल्फ डिफेंस भी आता है और हमें जवाब देना तो खैर बहुत ही अच्छी तरह। कोई मुफामत का पैगाम, कोई इस किस्म का भी इरादा है? हमने तो हर रोज कहा है जी, जब वो मरियम नवाज शरीफ साहब के बदजबानी कर रहे थे, हमने तब भी कहा था कि आपको साथ लेके चलना चाहते हैं, पार्लिमानी नॉर्म्स के अंदर रहे, वो ठीक है, छोटी मोटी मुसीकी लगी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अच्छा है, वो जरा रौनक रहती है हाउस के अंदर, हम भी करते रहे, लेकिन हमने कभी नॉर्म्स को पार नहीं किया, हमने कभी वो नहीं किया, कभी डिप्टी स्पीकर का जो है वो बाल नहीं नोचे, कभी वहां पर जो है वो धींगा मुश्ती नहीं की, और वो नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आप अपने फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लिमानी नॉर्म्स और तहजीब के साथ जो है वो मैडम चीफ मिनिस्टर के बारे में गुफ्तगू करेंगे, उनको तनकीद करेंगे, सर आंखों पर हम अपने अपने अपनी इसलाह भी करेंगे, जो वो तनकीद करेंगे, जो हमें मशवरा देंगे उससे इसलाह करेंगे, लेकिन मैडम चीफ मिनिस्टर की तौहीन किसी सूरत में पॉइंट स्कोरिंग के लिए और टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे लगाने के लिए उसकी इजाजत हरगिज नहीं देंगे। ये बिल्कुल रेड लाइन है हमारी, ये समझना चाहते हैं, शौक से समझ लें। इसको मेरी धमकी कहा गया, कल में भी मैंने गुजारिश की थी, उसको धमकी कहा गया, धमकी नहीं है, मेरी बहनों वाली गुजारिश है, लेकिन हमें अपना सेल्फ डिफेंस भी आता है और हमें जवाब देना तो खैर बहुत ही अच्छी तरह। सियासी कैदी अगर होगा तो बिल्कुल, अव्वल तो होगा नहीं, और उसके साथ वह सियासी कैदी नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए, हमारे दौर में इंशाल्लाह ताला कोई सियासी कैदी नहीं होगा, लेकिन जो कानून को मतलूब है, जिन्होंने बगावत कराने की कोशिश की थी दारों के अंदर, जिन्होंने जलाओ घराव किया, जो कोर कमांडर हाउस के अंदर जो है माले गनीमत समेटने गए थे, उनके लिए तो जाहिर है कानून के अंदर भी कोई गुंजाइश नहीं, और माफ करना हम भी नहीं कर पाएंगे। सहवान के अंदर जितने भी मेंबरान आते हैं मुंतखब होकर, वो कानून साजी के लिए आते हैं, उनका जो असल मकसद होता है यहाँ पे आने का वो कानून साजी होता है। आप लोग अल्लाह करे कि जैसे पहले पाकिस्तान में होता रहे, गवर्नमेंट पूरा टाइम नहीं करती रही, अभी पांच साल पूरी करें, तो ये पांच सालों के लिए क्या ऐसे अहम कवानीन जो है आप लोगों ने जेहन में रखे? ये भी मैडम चीफ मिनिस्टर इंशाल्लाह आज अनाउंसमेंट करेंगी, और तकरीबन बहुत सारी लेजिस्लेशन रुकी हुई है, एक तो ये असेंबली के टेन्योर पूरा नहीं होने दिया इस वजह से भी, और बहुत सारे महकमाना जो मामलात हैं उनके अंदर बहुत सारी लेजिस्लेशन प्रपोज की हुई है महकमों ने, और वो बहुत जल्द फ्लोर ऑफ द हाउस आपको नजर आएगी। पंजाब असेंबली को क्या कायदे वान की हमेशा जो है वो सदस्य आते देगी, या वो यहाँ पे सिर्फ स्पीकर जो है वो हाउस चलाएंगे और मीराला साहिबा जो है वो अपने कामों में